आईफोन 11 का सेल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हमें लगा कि चलो बात करते हैं इस पे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आईफोन 11 आपको क्यों लेना चाहिए और आईफोन 12 और 13 पर आपको क्यों नहीं जाना चाहिए। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं यानी घर के पैसे से मोबाइल खरीदते हैं तो हमें क्या चाहिए? कम प्राइस में बहुत सारे फीचर वाले फोन चाहिए। हमारी यही एक नीड होती है। देखो आईफोन 11 का सबसे ज्यादा बिकने का रीजन था इसका प्राइस। आपको 35 से लेकर 65 के बीच में आराम से मिल जाता था ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में। अब यहाँ देखो कि साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम कहाँ आई। जो लोग अगर 30 से 40 के रेंज में फोन खरीदने का प्लान कर रहे थे वो डायरेक्ट आईफोन पर शिफ्ट हो गए। आप यहाँ पर खुद समझो कि एक नॉर्मल से लड़के को एक फोन में क्या चाहिए, बेस्ट कैमरा हो, अच्छा डिस्प्ले हो, बैटरी बैकअप हो और उसमें आराम से गेम चल जाए, और आईफोन 11 में ये सब कुछ मिल जाता है। तो पहले आईफोन 11 का फीचर देख लेते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको A13 बायोनिक चिप के साथ ये फोन आता है। इसमें आपको स्टोरेज 64GB से लेकर 256GB तक मिल जाएगा। इसके फ्रंट और बैक तीनों कैमरे 12 MP है। और सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी बैटरी है। आपको इसमें 3110 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। लिटरली मैं आपको बताऊं तो आईफोन में अभी तक का सबसे बड़ा बैटरी बैकअप वाला फोन है। इतना एमएच की बैटरी ना ही आपको आईफोन 12 में मिलेगी और ना ही आईफोन 13 में। अब आपको मैं रियल लाइफ में जो फोटो लिए गए हैं वो आपको दिखाता हूँ। पर यहाँ पर दो कैमरे से लिए गए हैं, एक आईफोन 11 से लिया गया है और एक सोनी के कैमरे से लिया गया है। तो आपको उसमें चूज करना है कि कौन सा सोनी का कैमरा है और कौन सा आईफोन 11 के कैमरे से लिया गया है। तो क्या लगता है? चलो मैं ही बता देता हूँ। जो ए वाला फोटो था वो सोनी के कैमरे से लिया गया था और जो बी वाला फोटो था वो था आईफोन 11 का। अभी भी आप अचंभा में हो तो एक काम करो, वीडियो को बैक करो और हाई क्वालिटी में उस क्लिप को देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको IPS डिस्प्ले मिल जाती है जो कि LCD है, लेकिन इतना मॉडिफाइड डिस्प्ले मैंने आज तक किसी फोन में नहीं देखा है। अगर आप MI के AMOLED स्क्रीन और इसके IPS डिस्प्ले को कंपेयर करते हो तो एक बार में आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये IPS LCD डिस्प्ले है। तो आप इस बात पर बिल्कुल ना जाएं कि इसमें IPS डिस्प्ले है, AMOLED स्क्रीन क्यों नहीं दिया गया है। एप्पल कंपनी की सबसे बेस्ट पार्ट ये है ना कि इसकी जो मॉडिफाई होती है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होती है। इसमें 3110 mAh की बैटरी है लेकिन पूरे दिन आराम से चल जाता है अगर आप हेवी भी यूज करते हैं तो। मैंने बहुत सारे फोन की बिल्ड क्वालिटी देखी है लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी सच में कमाल है। जो इसमें A13 बायोनिक चिप दिया गया उसके हेल्प से बैटरी बैकअप इसकी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और इसमें आपको iOS 15 का सपोर्ट मिल जाता है जो कि 12 में भी है और 13 में भी है। अब सवाल आता है कि हमें 12 और 13 क्यों नहीं लेना चाहिए, आईफोन 11 पर क्यों जाना चाहिए। देखो मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जो आईफोन 12 और 13 है आईफोन 11 से ज्यादा परफॉर्मेंस है, ज्यादा क्वालिटी है, ये चीज उसमें आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ बात मेरी ध्यान से सुनना, आईफोन 11 का लेने का सबसे जो पहला रीजन होता है वो दिखावा। ये बात सबके माइंड में क्लियर होगी। अगर आप बैक से आईफोन 11, 12 और 13 को देखते हैं तो बिल्कुल आप डिफरेंस नहीं बता सकते दूर से, और कोवर लगा लिए तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बैटरी आपको आईफोन 11 में ज्यादा मिल जाता है लेकिन आईफोन 13 में सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज थोड़ा ज्यादा है, इसके वजह से उसमें बैटरी बैकअप थोड़ा और बढ़ जाता है बैटरी कम होने के बावजूद भी। आईफोन 11 के जो नेक्स्ट मुझे अच्छी बात लगी, ना ही ये मिनी की तरह छोटा है और ना ही कोई रेडमी की तरह बहुत बड़ा है, एक बैलेंस फोन है। मैंने जितने भी टेस्टिंग किया आईफोन 11, 12 और 13 में मैंने उसमें थोड़े थोड़े ही इम्प्रूवमेंट पाए। हाँ, लेकिन 12 और 13 का बिल्ड क्वालिटी 11 से बहुत ही इम्प्रूवमेंट है, वो कर्व एज के वजह से। लेकिन वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि जब आप हाथ में पकड़ते हो तो वो स्लिप बहुत ज़्यादा करता है आईफोन 11 के कंपेरिजन में। जो 11 के बाद सीरीज आई है उनमें थोड़े थोड़े ही डिफरेंस किए गए हैं, बहुत ही ह्यूज नहीं डिफरेंस किए गए हैं, जिसके वजह से मैं आपको यही बोलूंगा कि आईफोन 11 इज द बेस्ट फोन। बिकॉज आप थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट के लिए आप 50 से 60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देंगे, ये सही डील बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट इतनी साइकोलॉजिकली तरह से करते हैं ना कि आपके माइंड में ये चीज घुस जाता है कि हमें यही फोन लेना है। देखो एक चीज मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपको कौन से फोन लेना चाहिए। आपके पास ज्यादा पैसा है तो 12 लो, नहीं तो डायरेक्ट 14 लेना। एक चीज मुझे बहुत सुनने को मिला, जब मैं आईफोन लिया तो भी मुझे पता चला कि ये हीट बहुत ज्यादा होता है। देखो हीट सभी फोन होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है,
लेकिन जो प्लास्टिक बिल्ड होते हैं ना उनमें पता नहीं चलता है, ऊपर से आप कवर डाल लेते हैं तो और पता नहीं चलता है। लेकिन ये फोन मेटल बिल्ड है और कोई भी मेटल बिल्ड फोन ज्यादा हीट होता है, मतलब कि उसमें थोड़ा भी हीट होगा तो पता चल जाता है हमें। इसी के वजह से आईफोन में हीटिंग प्रॉब्लम पता चल जाता है, जबकि बाकी कंपनी प्लास्टिक बिल्ड बनाती है या ग्लास बिल्ड बनाती है उसके वजह से उसमें बिल्कुल पता नहीं चलता है। मैं जल्द ही वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो कि आईफोन 11, 12 और 13 का कंपेयर करूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है और क्या क्या सेम छोड़ दिया गया है। लेकिन ये क्या है, मेरे वीडियो को रेगुलर बेस पर 100% लोग देखते हैं जो कि डेली देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। ऐसा मत करो भाई, जब वीडियो आप रेगुलर बेस पर देखते ही हैं तो आपको सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।